हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले कुछ सालों में हुए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो जो है वो हिंदी सेक्शन से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने का मोटिव बस यही होता है कि कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए भी हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने अभी तक वो टॉपिक स्टडी नहीं किया है तो वो भी आप करिए, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विद्यालय। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विद्यालय में कौन सी संधि है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आगे पांच भाग हैं जिसमें से एक है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कैसे पता लगेगा? विद्यालय में आ की साउंड आ रही है, विद्यालय। जहाँ भी अ प्लस अ होगा या अ प्लस आ होगा या आ प्लस आ होगा उसका क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। जब एक जैसे वर्ण जो है आमने सामने होंगे वहाँ दीर्घ संधि होगी। जैसे ई प्लस ई होगा या उ प्लस उ होगा वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अ प्लस अ या अ प्लस आ या उ प्लस बड़ा उ या ई प्लस चाहे बड़ी ई हो या छोटी ई हो उसका बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। यहाँ पे आ की साउंड आ रही है तो जहाँ आ कहाँ पे बनेगा? या तो अ प्लस अ होगा या फिर आ प्लस आ होगा। तो यहाँ पे अ प्लस अ कहीं पे नहीं है लेकिन आ प्लस आ है। विद्या यहाँ आ की साउंड है, यहाँ भी आ की साउंड है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले उल्लास जो है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जब भी त या द के बाद ल आए तो उसका क्या बन जाता है? उसका बन जाता है आधा ल, क्योंकि उल्लास में आधा ल दिया है। तो हमें पता है कि आधा ल कब आता है? जब त के बाद ल आए या द के बाद ल आए। या कहीं भी ल द के बाद जो है ल नहीं है, केवल त के बाद जो है ल है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उत जमा लास, उलास का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो त प्लस जो है ल, मतलब त या द के बाद जब भी ल आएगा तो उसका आधा ल बन जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उल्लास में आधा ल दिया गया है तो आपको या तो त वाला ढूंढना है या द वाला। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं संधि विच्छेद करें। वार्तालाप, वार्ता आ की साउंड है, दीर्घ संधि है ये। और आ कब बनता है? जब आ प्लस आ हो या अ प्लस अ हो। यहाँ पे आ प्लस ल है, आ प्लस ल है और अ प्लस ल है, जहाँ पे अ प्लस अ या आ प्लस आ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध संधि का चयन कीजिए। आकृष्ट, आकृष्ट का होगा आकृष्ट जमा त। नेक्स्ट है उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट होता है श्रेष्ठ, इसका होगा निकृष्ट होता है नीच। ओके, नेक्स्ट है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जिनसे किसी भाव, दशा या अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, खटास, मिठास या फिर अपनापन, ये जो है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे मिठास जो है ये राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध बर्तनी का चयन करें। शुद्ध शब्द आपने चुनना है, निरीक्षण जो है ये शुद्ध शब्द है यहाँ पे। नेक्स्ट है आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आहार का विपरीतार्थक शब्द है निराहार। नेक्स्ट है बह का बहुवचन क्या है? बह का बहुवचन क्या है? वे। यह का क्या है? ये। मैं का बहुवचन क्या है? हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जिसकी इच्छाएं बहुत हो, जिसकी इच्छाएं बहुत हो वो होता है महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार होता है यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है जब समास में भी ये पूछा जाता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है,
तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ समास डिटेल में, जहाँ भी यथा, अति, निर, भर शब्द आते हैं शुरू में, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति जो है ये समास में पूछा जाता है, अव्ययी भाव समास, जहाँ भी जो है यथा, अति, निर, भर जो है ये शब्द के शुरू में होते हैं वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ओके, नेक्स्ट है साधु का स्त्रीलिंग है साध्वी। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला कहलाता है बहुभाषाविद। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि व्याकरण का ज्ञाता किसे कहा जाता है, उसे कहते हैं व्याकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह है कमल। कुसुम का पर्यायवाची शब्द पुष्प, प्रसून, सुमन, फूल, ये सभी जो हैं ये कुसुम के पर्यायवाची हैं, लेकिन कमल जो है ये कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी बातों को मानने वाला, पुरानी बातों को मानने वाला मतलब परंपरावादी होना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रूर शब्द है, क्रूर शब्द क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है, क्या है क्रूर शब्द? क्रूर शब्द जो है ये विशेषण है, जो गुणवाचक विशेषण है, जब हमने स्टडी किया था गुणवाचक विशेषण की क्या विशेषता होती है, जब किसी की अच्छाई की बात होती है, जैसे अच्छा, ईमानदार या सच्चा, ये जो है गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके साथ ही बुरा, जब भी किसी दोष की बात आती है, झूठा, क्रूर, घमंडी, पापी, ये सभी जो क्या है ये सभी विशेषण है। कौन से विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। इसके साथ ही रंग की जहाँ बात आती है, लाल, पीला, हरा, काला, ये भी क्या है ये विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। जहाँ भी रंग की बात आती है, गुण की बात आती है, दोष की बात आती है या अवस्था की बात आती है, जैसे बचपन या पतला, लंबा, दुबला, ये जो अवस्था है ये सब जो आता है ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से अशुद्ध वाक्य है बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। यहाँ पे होना चाहिए बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। ओके, नेक्स्ट है ताप शब्द का विलोम होता है शीत। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है माली, खत्री, चौधरी, धनवती जो है ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है देश के सरहदों पर डटे सुरक्षाकर्मी कफन सिर पर बांध कर लड़ते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश का क्या अर्थ है? कफन सिर पर बांधना का मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार रहना। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।